ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा, ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा, और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं, मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया वो करा सकते हैं, अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया वो कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है, उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है, मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी, केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया वह प्रयास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद था समझौता हो गया था, उसको हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं थे, अगर ऐसा होता तो समझौता नहीं करते वो। तो कौन कौन बैठा था समझौते में? समझौते में पुलिस के बड़े अधिकारी ओपी पांडे साहब थे, और एक सपा के पूर्व नेता राज्य मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा थे, और सुशील मिश्रा भाजपा के नेता, 3 लोग मेरे साथ समझौते में थे।